वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम बात करने चल रहे हैं केमिस्ट्री न्यू पैटर्न पेपर क्लास 12th एंड क्लास 11th, दो सेशन 2020 और 21 कोरोना काल का। ये कुल मिला के आपको 100 नंबर का क्वेश्चन आएगा और 180 मिनट में आपको इसको सॉल्व करने होंगे, मींस 3 घंटे के अंदर। ये जो क्वेश्चन है 100 नंबर का और 180 मिनट है, वो क्वेश्चन और 180 मिनट को के हिसाब से सेट करेंगे। 70 नंबर का क्वेश्चन आएगा आपका थ्योरेटिकल, और जो है 30 नंबर का क्वेश्चन आएगा आपका प्रैक्टिकली। क्लियर है? तो हम बात करते हैं प्रैक्टिकली में, कोई दिक्कत नहीं, उसको हम समझा देंगे, पर सबसे मेन फोकस हमारा है 33 क्वेश्चन 70 नंबर थ्योरेटिकल पे। 33 क्वेश्चन 70 नंबर थ्योरेटिकल पे। ऐसा मत सोचिए कि कोरोना काल में कुछ इजी आ जाएगा और कोरोना काल में कुछ टफ आ जाएगा। जो आपको आ रहा है वो इजी है, जो नहीं आ रहा वो आपको टफ लगेगा। तो 33 क्वेश्चन 70 नंबर में कैसे बटा है वो देखिए। ये कुल मिला के 4 सेक्शन में बटा होगा, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी। सेक्शन ए जो है वो आपका 1 नंबर का होगा, और सेक्शन बी आपका 2 नंबर का होगा, और सेक्शन सी आपका 3 नंबर का होगा, और सेक्शन डी आपका 5 नंबर का होगा। सेक्शन ए जो होगा उसमें दो तरह से क्वेश्चंस आएंगे, एक सेक्शन A1 में डिवाइड है, एक सेक्शन A2 में डिवाइड है। और A1 वाला जो है 1 से लेकर 2 क्वेश्चन, और A2 वाला 3 से लेकर 16 क्वेश्चन तक रहेगा। ये कुल मिला के सेक्शन एक नंबर का होगा। क्लियर है? आप इसको बहुत अच्छे समझिए, क्योंकि कुछ पैटर्न ऐसे चेंज हुए हैं कि अगर आप काम नहीं करेंगे इस पैटर्न पर तो आप कहीं फेल हो जाएंगे। 90 प्लस चाहिए तो कम से कम आपको पेपर के पैटर्न के बारे में जानना जरूरी है। और ओवरऑल कोई भी चॉइस नहीं मिलेगी आपको क्वेश्चन में कि आपको 34 क्वेश्चन दे दे उसमें चॉइस हो जाए, ऐसा कोई चॉइस नहीं है। ठीक, तो पहले देखिए सेक्शन ए, ए ये हो गया, A2 ये हो गया, A1 A2 में डिवाइड था, और बी ये हो गया, सी ये हो गया, और डी ये हो गया। A1 इसमें होगा केस स्टडी। क्या होगा? यहां देखिए केस स्टडी लिखा है। केस स्टडी का मतलब ये हुआ कि केस को पढ़कर क्या करना, आंसर देना। जैसे देखते होगे बहुत सारे केस कोर्ट कचहरी में चलते हैं, और सरकार क्या करती है, जज क्या करते हैं, जजमेंट देते हैं। तो केसे चलते रहते हैं, पहले केस को जज जो है एनालाइज करता है, क्या करता है, एनालाइज करता है, फिर उसके बाद उनके मतलब उसके बाद उसमें फैक्ट जो सही चीज है वही आंसर देता है, ताकि सेटिस्फाइड हो जाए सर। तो केस स्टडी भी कुछ ऐसा है, लेकिन केस स्टडी ये केमिस्ट्री में होगा, वो केस स्टडी केस के अंदर होता है, कोर्ट केस के अंदर। ठीक है? यहाँ केस स्टडी कुछ इस तरह होगा, जैसे कोई पैराग्राफ दे दिया, उस पैराग्राफ में आपको कुछ किसी चीज के बारे में बता दिया, अब पूछेगा किसके लिए क्या चीज है। जैसे एग्जाम्पल मैं लेता हूं, जैसे मोहन रोड पर चल रहा था, अचानक चलते चलते फिसल गया और देखा तो मोहन कि वहां पर ऑयल गिरा है। ठीक, तो राम क्या करे, तो राम क्या करे कि दोबारा कोई उस सड़क पे ना गिरे। तो पहले समझिएगा ये टॉपिक किस चैप्टर का है, ये टॉपिक सरफेस केमिस्ट्री का है। और सरफेस केमिस्ट्री में कौन सा टॉपिक है, सरफेस केमिस्ट्री में ये इमल्शन का टॉपिक है। तो अब जाहिर सी बात है पानी से धुलेगा तो ऑयल तो धुलाएंगे नहीं, तो वो सोप डिटर्जेंट से धुलेगा। किससे? सोप डिटर्जेंट क्या है, यहाँ पे इमल्सीफाइंग एजेंट्स हैं जो उसको सॉल्युबल बना देते हैं। तो ये केस स्टडी हो गया। दूसरी चीज, जैसे मान लो राम पिछले कई दिनों से उसको जो है बुखार है, फीवर है, तो राम मोहन क्या करे कि उसका फीवर उतर जाए, कौन सी दवा दे, तो वो एंटीपायरेटिक दवा देगा। कैसी दवा? एंटीपायरेटिक पैरासीटामोल, और ये बहुत चांसेस हैं आने के। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति
वो उसका दिमाग काम नहीं कर रहा है और तो कैसी दवा लेगा, न्यूरोलॉजिकल दवा लेगा, ठीक। और दूसरी चीज़ देखिए, जैसे रामू 3 साल का लड़का है और खेलते खेलते उसके पैर में चोट लग जाती है, तो घर में आप कैसा ट्रीटमेंट देंगे? ऑप्शन 4 दे देगा, फिनॉल लगाएंगे, डिटॉल लगाएंगे, अल्कोहल लगाएंगे कि ऐसे उसको जो है पानी से धुलेंगे, तो आपका आंसर होगा डिटॉल से उसको धुलेंगे और एंटीसेप्टिक क्रीम लगाएंगे, क्लियर है। तो ये चीज़ें ऐसे ऐसे चीज़ें केस स्टडी में आती हैं, ठीक। अब सपोज दैट, मान लो कोई तुम्हारे यहाँ घूमने आया तो आप उसको शरबत पानी पिलाओगे? यहीं जो शरबत पानी पिला रहे हो और मान लो आपका जो है शरबत बहुत ज़्यादा मीठा हो गया, तो कौन सा प्रोसेस अप्लाई करेंगे? डाइल्यूशन करेंगे। कौन सा प्रोसेस? डाइल्यूशन करेंगे, ठीक। तो ये केस स्टडी की कहानी हो गई। अब जो है 1 से 2 नंबर का केस स्टडी आएगा और 3 से 16 नंबर के क्वेश्चन एसर्शन और रीजन के आएंगे, एसर्शन रीजन के आएंगे, और उनमें आपको मल्टीपल चॉइस भी होगा। कैसे वो देखिए, एसर्शन रीजन में क्या होता है, जैसे मान लो मोहन एक लड़का है जो पागल हो चुका है। क्या हो चुका है? पागल। ये स्टेटमेंट बोल दिया, मोहन पागल है, ये हो गया स्टेटमेंट। तो मोहन कोई ना कोई पगले ही किया होगा तभी तो पागल कहलाएगा, अभी मान लो सड़क पे जाके कपड़े फाड़ो अपना, तो पागल लोग कहेंगे कि नहीं। तो मोहन अगर पागल है और उसका रीजन दिया जा रहा है क्योंकि मोहन सड़क पे कपड़े फाड़ रहा था अपने, तो यहां पे आंसर होगा कि स्टेटमेंट इज करेक्ट एंड रीजन इज करेक्ट। पहला ऑप्शन, स्टेटमेंट इज करेक्ट बट रीजन इज इनकरेक्ट। स्टेटमेंट इज करेक्ट बट रीजन इज एग्जैक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट। तो ये आपका एग्जैक्ट आंसर होगा, क्लियर है। अब हम आपको केमिस्ट्री के टर्म में बता देते हैं। जैसे कह दें कि सॉल्युबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन क्या हो रही है, बढ़ रही है, सॉल्युबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन बढ़ रही है टेम्परेचर घटने पर, ये स्टेटमेंट हो गया, ठीक है। तो रीजन यहां पर लिख देते हैं, बिकॉज सॉल्युबिलिटी ऑफ एनी गैस इन अ लिक्विड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर, तो टेम्परेचर घटेगा तो सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी, तो आपका स्टेटमेंट भी सही है और रीजन भी सही है। तो आप आंसर ढूंढेंगे, स्टेटमेंट इज करेक्ट एंड रीजन इज एग्जैक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एबव स्टेटमेंट, ठीक। ये क्लियर है। तो कहने का मतलब, आप स्टेटमेंट के बारे में भी अच्छे से जानिए और रीजन के बारे में भी अच्छे से जानिए, तभी आप assertion रीजन को सॉल्व कर पाएंगे, अदरवाइज आपके assertion रीजन सॉल्व नहीं होंगे। किसी कीमत पे आप सॉल्व नहीं कर सकते assertion रीजन, आपको कुल मिला के डीपली पढ़ना है। क्या करना है? डीपली पढ़ना है assertion रीजन को। assertion रीजन ऐसे ऐसे ही नहीं आ जाता है, ठीक है। तो assertion रीजन समझ में आया, कोई आपको स्टेटमेंट दे देगा और उस स्टेटमेंट पर आपको काम करना है। स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़िए, पढ़ने के बाद सोचिए क्या स्टेटमेंट सही है। अगर स्टेटमेंट सही है तो रीजन को बहुत ध्यान से पढ़िए और रीजन को स्टेटमेंट से मैच कराइए, क्या रीजन एग्जैक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एबव स्टेटमेंट है। अगर वैसा स्टेटमेंट रीजन एग्जैक्ट है तभी आप आंसर करिएगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को सेक्शन ए में दिक्कत होती है। सेक्शन ए आ रहा तो ठीक है, नहीं आ रहा तो चला जाएगा नंबर, उसमें कुछ नहीं कर सकते आप। तो आपको डीपली पढ़ना है assertion रीजन में। आपको कम से कम 500 क्वेश्चंस मैं कराऊंगा assertion रीजन के। कितने क्वेश्चन? 500 क्वेश्चंस कराएंगे assertion रीजन के, और कम से कम 5000 क्वेश्चंस होंगे वर्कशीट में जो आपको मैं प्रोवाइड कराऊंगा, क्लियर है। 5000 वर्कशीट आपको मैं प्रोवाइड कराऊंगा, तो इसको ध्यान से देखिए, 5000 वर्कशीट में क्वेश्चंस होंगे, क्लियर है, और कोई डाउट्स नहीं होंगे। assertion रीजन पे भी हम काम करेंगे, केस स्टडी पे भी काम करेंगे, बशर्ते आप लोग हमारे साथ बने रहिए। तो assertion रीजन, तो सेक्शन ए क्लियर है, 2 क्वेश्चन केस स्टडी का आएगा,
केस स्टडी में कुछ भी दे सकता है, ज़्यादातर थ्योरेटिकल होगा। और जहाँ तक मेरा दिमाग काम करता है, जो केस स्टडी आएगा वो सरफेस केमिस्ट्री का आएगा, जहाँ तक मुझे पता है। दूसरा ए टू जो सेक्शन होगा एसर्शन रीजन का, उसमें आप स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़ें, रीजन को अच्छे से पढ़ें, फिर स्टेटमेंट पढ़ें, फिर रीजन पढ़ें, फिर स्टेटमेंट पढ़ें, फिर रीजन पढ़ें, फिर कोरिलेट करें। अगर आपको सही लगता है तो आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। कम से कम एसर्शन रीजन को 3 बार पढ़िएगा। क्लियर है? तो सेक्शन ए पोर्शन आपका खत्म हुआ, अब इसमें कोई डाउट नहीं है। सेक्शन बी में क्या होगा, 2 नंबर का या तो न्यूमेरिकल आ जाए या तो 2 नंबर का थ्योरेटिकल आ जाए, ठीक है, लेकिन या फिर 2 नंबर का एक्सप्लेनेटरी कोई क्वेश्चन आ जाए, या तो थ्योरेटिकल आएगा या तो न्यूमेरिकल आएगा या तो आपको वो एक्सप्लेनेटरी आ जाएगा। जैसे क्यों टेम्परेचर बढ़ाने पर गैसेस की सॉल्विबिलिटी घटती है, एक क्वेश्चन हो गया। या फिर ऐसे हो सकता है कि कोल्ड वाटर में एक्वेटिक एनिमल क्यों अच्छे से रह पाते हैं, या फिर ये पूछ ले कि कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी किसको कहते हैं डिफाइन करें, या तो ये कह दे पेप्टाइड लिंकेज क्या है, या तो ये कह दे हार्डी स्कुलजे रूल क्या है, या तो ये कह दे कोई भी लॉ आ जाए। इसमें सेक्शन बी में लॉ आता है। क्या आता है? लॉज। तो जितने भी लॉज हैं, राउट्स लॉ, हेनरी लॉ, जितने भी लॉ है लॉज को आप पढ़ लीजिएगा, 101% है लॉज आएंगे। राउट्स लॉ है, हेनरी लॉ है, जितने लॉ हैं सारे लॉ को पढ़ लीजिएगा, एक लॉ आपको 2 नंबर 3 नंबर 100% मिलेगा। ये मेरा दावा है, 100% मिलेगा। सेक्शन बी में सारे लॉज, आप लॉज के साथ साथ कंडीशन लिमिटेशन भी याद रखिएगा। अब आ जाते हैं सेक्शन सी। सेक्शन सी आपको 1 नंबर का कोई आपको क्वेश्चन दे देगा और एक नंबर उसमें 2 नंबर का थ्योरेटिकल दे देगा, या तो 2 नंबर का आपको क्या दे दे न्यूमेरिकल दे दे और 1 नंबर पे उसी बेस्ड क्वेश्चन दे दे, या तो 3 नंबर का सीधा सीधा न्यूमेरिकल दे दे। और ज़्यादातर चांसेस होते हैं इसमें न्यूमेरिकल आने के, न्यूमेरिकल, ठीक है। और न्यूमेरिकल में एक डेंसिटी पे आ सकता है, एक आपका नट्स इक्वेशन पे आ सकता है, एक कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी पे आ सकता है, और एक ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पे, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है ना, और या फिर नट्स इक्वेशन, नट्स इक्वेशन, या तो नट्स इक्वेशन पे आएगा, या तो डेंसिटी पे आएगी, या तो कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी पे न्यूमेरिकल आएगा, या तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पे आएगा। और जो 3 नंबर का होगा ये ज़्यादातर आपको इसमें ऑप्शनल मिल सकते हैं, ठीक है। 5 नंबर वाले में कादा ऑप्शनल मिल जाएगा, और ये ज़्यादातर आपको ऑर्गेनिक पोर्शन लेता है। क्या लेता है? ऑर्गेनिक पोर्शन या फिर न्यूमेरिकल कॉम थ्योरी, या तो न्यूमेरिकल या तो थ्योरी आएगा। क्लियर है? तो ये हमारा रहा बोर्ड का पैटर्न। एक बार मैं पूरा फटाक से फिर से एनालाइज कर देता हूँ, आप लोग ध्यान से देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और हमारे साथ बने रहिए। मैं आपको सर्सन रीजन के भी क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, बस ध्यान से देखिए। क्वेश्चन मॉडल पेपर 2020-2021 क्लास 11 और क्लास 12 दोनों के लिए सेम होगा। 180 नंबर के मिनिमम कुछ समय रहेंगे और मिनिमम नंबर आपका मैक्सिमम नंबर 100 नंबर होगा। तो 2021-20 में 70 नंबर का थ्योरी आएगा और 30 नंबर का प्रैक्टिकल आएगा। 70 नंबर जो थ्योरी आएगा वो 33 क्वेश्चन होंगे, और 30 नंबर की जो थ्योरी आएगी वो प्रैक्टिकल आएगा, वो कुल मिला के 3 क्वेश्चन मिलेंगे। वो प्रैक्टिकल है, वो स्कूल वाले करा देंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और कोई दिक्कत होती है तो मैं प्रैक्टिकल भी आपको अभिनंदन करा दूंगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हम बात करते हैं, मेरा फोकस था थ्योरी, 33 क्वेश्चन, 70 नंबर, 4 सेक्शन, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी। सेक्शन ए 1 नंबर का होगा, सेक्शन बी 2 नंबर, सेक्शन सी 3 नंबर, सेक्शन डी 5 नंबर। क्लियर है? सेक्शन ए फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, सेक्शन A1, सेक्शन A2। तो A1 में केस स्टडी होगा, A2 में भी आपको मल्टीपल चॉइस और एसर्शन रीजन के होंगे। और सेक्शन बी में आपको लॉज आएंगे, लॉज के साथ साथ कुछ रीजन भी आ सकता है। क्या आ सकता है? रीजन। क्या आ सकता है? रीजन।
लॉज के साथ साथ क्या आ सकता है, रीजन भी पूछ सकता है, तो ये दोनों चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, इसलिए इसको याद रखिएगा। जैसे डाइल्यूशन करने पर मोलर कंडक्टिविटी पर क्या फर्क पड़ता है, वीक इलेक्ट्रोलाइट और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वगैरह वगैरह। तो यहाँ पर सेक्शन सी आपको 26 से 30 क्वेश्चंस होंगे, 3 नंबर के होंगे और इसमें ज़्यादा चांसेस होते हैं न्यूमेरिकल। और सेक्शन डी में 5 नंबर के होंगे और 3 क्वेश्चंस लगभग होंगे, और यहाँ पर आपको न्यूमेरिकल या तो ऑर्गेनिक पोर्शन की 5 रिएक्शन दे दे और उसके साथ रीजन पूछ ले, या तो 5 रीजनेबल क्वेश्चन पूछ ले कुछ न्यूमेरिकल, या तो न्यूमेरिकल के साथ साथ कोई एक टॉपिक पे थ्योरेटिकल पूछ ले। तो ये आपका सेक्शन हुआ, मतलब ये आपका मॉडल पेपर का डिस्कशन हुआ, आप इसको नोट कर लीजिए और 2 मिनट के लिए, 1 सेकंड के लिए मैं हट जाता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, हो गया। अब देखिए, अब हम बात करते हैं, आप लोग इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए, हम आपको एक एक पोर्शन पे काम करेंगे, सेक्शन ए पे काम अलग करेंगे, सेक्शन बी पे काम अलग करेंगे, सेक्शन सी पे भी काम अलग होगा, सेक्शन डी पे भी काम अलग होगा, क्लियर है। और कोई भी समस्या नहीं होगी, कोई समस्या होगी, कोई सेक्शन नहीं समझ में आता है, क्वेश्चन कैसे आया, तो आप हमसे व्यक्तिगत फ़ोन करके पूछ सकते हैं और ऐसे भी पूछ सकते हैं। आपको वर्कशीट में हमारा नंबर भी मिल जाएगा, और नंबर नहीं होगा तो आप यहाँ पे नोट कर सकते हैं। ठीक, क्लियर है, और कोई डाउट होगा तो बताइएगा। आज की क्लास इस पर डिस्कस हो गई, और इसको आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए, आप एक फ्लो चार्ट बना लीजिए, और सेक्शन ए पे कैसे काम करना है उस पर अलग काम करिए, सेक्शन बी पे काम करना उसका अलग काम करिए, सेक्शन सी पे अलग काम करिए, सेक्शन डी पे अलग, तो आप क्वेश्चन इस तरह कर लेंगे। क्लियर है, तो जितने लॉज हैं उतने लॉज आपको याद होने चाहिए। क्लियर, हैव अ नाइस डे, और लाइक और शेयर करना ना भूलें। अब भूल जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, अच्छा लगे तो लाइक करें और गड़बड़ लगे तो डिसलाइक करें, लेकिन करें। क्लियर है, थैंक्स।